जम्बूद्वीप के इस वेब पोर्टल को भी मैं बधाई देना चाहूँगा और मैं विनती करूँगा। देखिए, मैं अलग-अलग स्टेट लेवल के चैनल्स पे जाता हूँ, डिबेट के लिए जाता हूँ। अलग-अलग, मैं उन चैनल्स का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो बातें मैं वहाँ पर रखता हूँ, डिस्कशन में रखता हूँ, वो शायद से ब्राह्मणी व्यवस्था को हर्ट होती है, चुभती है। इसलिए जब लाइव होता है तब तो वो बता देते हैं, मगर जब लिंक वेब पे डालते हैं तब तो वो उतना कट करके, यानी जो मुद्दे के लिए आप हमको बुलाते हो, इस समाज की बात रखने के लिए जब मैं वहाँ पर जाता हूँ तो वो बात ही काट दी जाती है। मैं गुजारिश करूँगा इन भारत के सभी लोगों से कि हमारा मीडिया इस देश में अभी नहीं है। कोई चैनल जो हमारी बात रखे, ऐसा कोई चैनल हमको नहीं दिखाई देता। और इसलिए जब तक ये सोशल मीडिया हम लोगों के लिए फ्री है, तब तक हम लोगों को इस देश में इस सोशल मीडिया के माध्यम से जम्बूद्वीप के लोगों को मैं बधाई दूंगा, एंकर्स को बधाई दूंगा, इसके फाउंडर्स को बधाई दूंगा कि आज इन्होंने हमारे विचार रखने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म ला कर दिया है जो जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही आप तक आएगा। कोई एडिट नहीं होगा, कोई कट नहीं होगा। तो जो बातें मैंने रखी है, इस देश का संविधान मुझे अधिकार देता है कि मुझे जो बात रखनी है वो मैं अपने लोगों से लोगों के सामने रखूं। मगर हमारे चैनल्स, ये बाबा साहब ने दिए हुए फंडामेंटल राइट्स मुझसे कट करवाते हैं, मेरे बोले हुए स्टेटमेंट्स कट कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। और इसलिए मैं चाहूँगा कि इस देश में हमारा एक न्यूज़ चैनल हो, और मैं जम्बूद्वीप के लोगों से, जम्बूद्वीप के फाउंडर्स से, जम्बूद्वीप के सारे पत्रकारों से विनती करूँगा कि इस देश में अगर न्यूज़ चैनल के हिसाब से, केवल वेब तक ही नहीं कि टीवी चैनल के माध्यम से आप लोग हमारी समाज की बात रखने का एक जरिया आप लोग इस देश में, इस महाराष्ट्र में, कम से कम इस महाराष्ट्र में आप लोग ये प्लेटफॉर्म खड़ा कीजिए। हम लोग आपके पीछे हैं, हम लोग अपने साथ हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा कि 14 अप्रैल को, लास्ट ईयर का आंकड़ा है कि 30 करोड़ के हम लोगों ने फटाके फोड़े हैं। 30 करोड़ के फटाके हम लोग फोड़ते हैं। जरा सोचिए, 30 करोड़ के फटाके केवल 10 मिनट में बजाने के बजाय हमारा नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का अगर कोई न्यूज़ चैनल इन पैसों से अगर हम खड़ा करते हैं, तो 365 दिन इन मनुवादी व्यवस्था के ऊपर हम फटाके फोड़ सकते हैं, इतनी काम हम कर सकते हैं। इसलिए मैं शुरुआत से ही, मेरे इंटरव्यू का यही मुद्दा रहा है कि हमको बाबा साहब की मूवमेंट विचारों पे खड़ी करनी है, ना कि भावनिक तौर पे खड़ी करनी है। इसलिए आने वाले समय में इन सारे चैनलों में, एबीपी जी और आज तक, इनमें हमारा भी वेब, हमारा भी न्यूज़ चैनल होना चाहिए, ऐसी कामना मैं जम्बूद्वीप के लोगों से करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।